एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते होमगार्ड कार्यालय के मुंशी अनुज प्रधान व उपेंद्र दास गिरफ्तार। होमगार्ड जवान से ड्यूटी देने के नाम पर ले रहा था 3000 रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चतरा होमगार्ड कार्यालय के मुंशी अनुज प्रधान को 3000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कार्यालय कर्मी गृह रक्षक उपेंद्र कुमार दास को भी गिरफ्तार किया है, जो कि पोस्तिया गांव निवासी होमगार्ड जवान प्रमोद कुमार से ड्यूटी देने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। होमगार्ड जवान प्रमोद कुमार की ड्यूटी बिजली ऑफिस चतरा में थी। 12 अक्टूबर 2023 को जवान को हटाया गया, जब वह पुनः ड्यूटी करने के लिए कमान मांगे जिला समाजेष्टा कार्यालय पहुँचा तो अनुज प्रधान ने ड्यूटी के लिए कमान देने के एवज में 3000 घूस मांगा। इसके बाद प्रमोद ने इसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग में की। इस मामले की एसीबी टीम जांच किया, जिसमें मामला सही पाया गया। जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम ने जाल बिछाया। इसके बाद रिश्वत लेते अनुज व उपेंद्र दास को रंगे हाथ धर दबोचा और अपने साथ हजारीबाग ले गई। अनुज प्रधान होमगार्ड जवान से ड्यूटी देने के नाम पर अवैध वसूली करता था, जिससे होमगार्ड जवान परेशान रहते थे। सूत्रों ने बताया कि कंपनी कमांडेंट अमरजीत टोपो व कमान इंचार्ज प्रभु उराव के संरक्षण में कर्मी होमगार्ड जवानों से ड्यूटी लेने के नाम पर रिश्वत की वसूली करते थे। चतरा जिले में डेढ़ माह के अंदर एसीबी टीम ने रिश्वत लेते 5 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। 27 सितंबर को गिद्दौर प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव कमलेश कुमार वर्मा व 15वें वित्त के प्रखंड समवेक सीताराम रजक को 7000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 6 अक्टूबर को एसीबी की टीम ने हंटरगंज अंचल के हलका नंबर 11 के राजस्व कर्मचारी विपिन कुमार चौबे को 15000 घूस लेते गिरफ्तार किया था। बिना चढ़ावा दिए नहीं होता है कार्य। चतरा जिले में काम के एवज में पैसा लेने का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों कोई भी कार्यालय में बिना चढ़ावा दिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। पैसा नहीं देने वालों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, वही पैसा देने वालों का काम तुरंत हो जा रहा है। इस कार्य में पदाधिकारी से लेकर कार्यालय कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सभी संतृप्त हैं। साथ ही कई बिचौलिया हावी हैं। दिन दहाड़े रिश्वत की राशि ली जा रही है। रिश्वत लेने वाले कर्मियों में किसी तरह का भय नहीं दिखता है। कुछ दिन पूर्व ही भ्रष्टाचार के विरोध में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, लेकिन जागरूकता सप्ताह के दौरान भी रिश्वत लेने का सिलसिला जारी रहा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और इसका मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।